नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक। बैठक में 12 एजेंडे रखे गए जिसमें से 11 को मिली मंजूरी। रबी फसलों की बुआई से पहले मूल्य घोषित होने से किसानों के पास होगा विकल्प। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने वालों पर रखी जा रही पैनी नजर। पराली में आग न लगाने के लिए किसानों से की अपील। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 12 एजेंडे रखे गए जिनमें से 11 को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने एचएसजीपीसी की 41वीं मेंबरी हेडऑफ कमेटी बनाने का फैसला किया। इसके लिए सरकार जल्द ही ऑर्डिनेंस लाएगी। इसके साथ ही एनसीआर की महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना की डीपीआर को भी मंजूरी दे दी गई। इस दौरान सीएम कैबिनेट के बाद मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेगा। उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा के विधायक एवं सांसद पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने अगले सप्ताह आने वाले विभिन्न त्योहारों दीपावली, धनतेरस, छठ पूजा पर्व के प्रदेशवासियों को अग्रिम बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दलहन व तिलहन की 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी करने के निर्णय के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की वचनबद्धता की दिशा में एक और कदम है। फसलों की बुआई आरंभ होने से ठीक पहले लिए गए निर्णय से किसानों के पास विकल्प होगा कि उन्हें अपने खेत में कौन सी फसल की बुआई करनी है और किस फसल को बोने से अधिक फायदा हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कई वर्षों से रबी व खरीफ की दोनों फसलों का बुआई सीजन आरंभ होने से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। अब किसानों के पास ये विकल्प होगा कि उन्हें किस फसल की बुआई करने से अधिक मुनाफा हो सकता है। खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर राधेश्याम गुप्ता ने कहा कि सैटेलाइट के माध्यम से आग लगाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। डॉक्टर राधेश्याम गुप्ता ने असंत व निसिंह के सभी किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि धान की कटाई के बाद पराली में आग ना लगाएं। धान के अवशेषों में आग लगाने से जहां एक ओर पर्यावरण प्रदूषित होता है, वहीं दूसरी ओर आमजन के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग करनाल द्वारा अपील भी की गई कि कोई भी किसान धान के अवशेषों में आग ना लगाए और प्रशासन का पूरा सहयोग करे। हरियाणा सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर सीरियस है और हमारे जिले के माननीय उपायुक्त महोदय श्री अनिश जी और हमारे उप कृषि निदेशक डॉक्टर आदित्य प्रताप डबास इस मैटर में इतने ज़्यादा सीरियस हैं। किसी प्रकार से यह प्रणाली प्रबंध हो जाए, आगजनी ना हो, लेकिन किसानों ने अब की बार हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। किसान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर किसान हमारा साथ दे रहे हैं, प्रणाली को बिल्कुल ही मैनेज कर रहे हैं। आज मैं हमारे मनदीप जी हैं, सरदार गुरचरण सिंह के पुत्र हैं, उनके फार्म पे मेरे को आने का सौभाग्य मिला है। ये भी इन्होंने आज तक कभी आग नहीं लगाई फार्म पे, या अपने खेत में सारा पराल अपने खेत में खपाते हैं। मैं किसानों को कहता हूँ हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा बेलर है हमारे पास, दूसरा हमारे पास सुपर सीडर है, और हमारे पास रोटावेटर है और MB प्लो है। सरकार ने अब की बार, पीछे तो हम देते थे सिर्फ एक्स्ट्रा बेलर पर ही सब्सिडी किसान को 1000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से गट्ठे बनाने के, लेकिन अब की बार सरकार ने क्या किया भाई, जो गट्ठे बनाएगा उसको भी देंगे, जो गट्ठे नहीं बनाएगा पराली को खेत में खपाएगा उसको भी 1000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उसमें लिमिट कोई नहीं है, उस चाहे किसान के 20 किले हैं, चाहे किसान के 100 एकड़ हैं। तो किसान को सिर्फ क्या करना है, किसान को इसके जो ये केस है ना पराली को अंदर खपाने वाला, उसमें किसान ने फोटो लेनी है लोकेशन के साथ और उसकी वीडियो बनानी है, और स्ट्रा बैलर वाले में स्ट्रा बैलर वाले से आपने गट्ठों की रसीद लेनी है भी आपने कितने किले के गट्ठे बनाए हैं। ये स्कीम है और हमारे पास कई किसान कहते हैं अभी इसका क्या समाधान हो सकता है जी पराली का,
अगर गड्ढे ना बन पाए तो, उसके लिए भी बड़ा अच्छा सिस्टम हमारे पास सिस्टम आया हुआ है। हमारे पास पूसा डिकम्पोजर आया हुआ है जो बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है। एनआईए की टीम ने फरीदाबाद में 25,000 के इनामी और कौशल गैंग के गुर्गे नीरज फरीदपुरिया के घर पर छापेमारी की। एनआईए की टीम सुबह 4 बजे नीरज फरीदपुरिया के घर पर पहुंची और लगभग 2 बजे वहां से रवाना हुई। लगभग 10 घंटे एनआईए के अधिकारी नीरज के घर के अंदर रहे और इस दौरान उन्होंने कुदाल से नीरज के बेसमेंट में भी खुदाई की। एनआईए के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया। नीरज फरीदपुरिया की बात करें तो नीरज फरीदपुरिया पर हत्या का प्रयास, लूट, डकैती समेत 21 मामले दर्ज है। पलवल में हुई एक हत्या के बाद से नीरज फरीदपुरिया फरार चल रहा है। नीरज के ठिकानों पर भी पिछले महीने नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तोड़फोड़ भी की थी। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बदमाशों और नशा तस्करों के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस और नगर निगम का अभियान लगातार जारी है और इसी के चलते बल्लभगढ़ के कलंदर कॉलोनी में नामी नशा तस्कर ममो, सलमान और साइना के अवैध ठिकानों को पुलिस और निगम ने पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया। पुलिस मुताबिक ये काफी लंबे समय से नशे का कारोबार करते थे। पुलिस द्वारा कई बार इन्हें गिरफ्तार भी किया गया परंतु ये लोग नहीं रुके। इसके बाद इनके ठिकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। एक मम्मो नाम की लेडी है, काफ़ी दिन से अवैध गांजा बेचने का काम करती थी। उसकी बेटी साइना और बेटा सलमान उनसे सप्लाई करते थे और मदद करते थे, जिन्होंने ये अवैध संपत्ति अर्जित कर रखी थी, जिसको आज यहीं भी मेन ठिकाना था जो बेचने का था। उसके खिलाफ 10 से और 12 मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए आज उसके मकान को नियमानुसार MCF विभाग से पत्राचार करने के उपरांत SDO साहब और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में आज तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। किसके आदेश पर ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है? ये नगर निगम कमिश्नर साहब के आदेश से की गई है। अच्छा, तो जो नशा करेगा उसके ठिकानों पर, जो भी नशा करेगा, नशा बेचेगा या अवैध संपत्ति नशे से करेगा, वो NDPS एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हरियाणा सरकार के और अधिकारियों के आदेश अनुसार ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा प्रदेश में 3 वकीलों के घर की गई छापेमारी के विरोध में 12 एसोसिएशन द्वारा वर्क सस्पेंड रखा गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस छापेमारी के दौरान वकीलों का जो सामान जब्त किया गया है उसे वापस दिया जाए और इस तरीके से वकीलों को परेशान करना बंद किया जाए। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी उनका वर्क सस्पेंड जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक टोहाना के डंगरा रोड स्थित लघु सचिवालय में बार एसोसिएशन द्वारा वर्क सस्पेंड किया गया, जिसमें टोहाना बार एसोसिएशन के 300 से अधिक वकीलों ने भाग लिया। में 300 के आसपास मेंबर्स हैं, जो कि सभी आज सबने ही वर्क सस्पेंड किया है, नो वर्क डे टुडे रखा है। इसका बेसिकली कारण ये रहा, जैसे कि कल NIA ने 3 वकील साथियों के घर, एक चंडीगढ़, बठिंडा और गुरुग्राम, 3 वकील साथियों के घर रेड की है और उनमें विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन रेड करके उनके मोबाइल्स, लैपटॉप्स कन्फिस्केट किए हैं और जिसके बारे में ना ही कोई रीज़न बताया गया। एक सिर्फ ये बात कही जा रही है कि वो वकील साहिबान कुछ गैंगस्टर्स के केस ले रहे थे। देखो, अगर कोई भी गैंगस्टर है, किसी भी केस में अक्यूज्ड है, उनका राइट बनता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें कोर्ट में। नेचुरल जस्टिस भी यही कहता है, तो उसके लिए वो खुद तो उनको अपने आप को रेफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें हमारे वकील साथियों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। और हमारा एडवोकेट्स एक्ट ये कहता है कि जो हमारे वकील साथी और हमारे क्लाइंट के बीच की जो कन्वर्सेशन है वो एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है, वो हम ना तो हमें उस पर कोर्ट इंटरफेयर करती, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंटरफेयर कर सकती। इन सबको दरकिनार करते हुए, बाईपास करते हुए उन्होंने एक इल्लीगल तरीके से ये रेड की गई है और अभी तक भी उन्होंने रीज़न स्पष्ट नहीं बताया। सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनका उनके साथ लिंक था। एक वकील का अपने क्लाइंट के साथ लिंक ही होगा तो ही वो उनकी तरफ से उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हम इस चीज़ की निंदा करते हैं। हम ये पूरे हरियाणा पंजाब की एजिटेशन है, हम इनके खिलाफ जो भी प्रयास हो सकेंगे वो करेंगे और हम ये चाहते हैं कि आइंदा किसी भी वकील साथी को ऐसे परेशान ना किया जाए। राधास्वामी सत्संग भवन के पास अवैध कॉलोनी पर एक बार फिर से प्रशासन का पीला पंजा चला। इसके साथ ही सर्विस रोड पर एक दुकानदार द्वारा फुटपाथ की जमीन पर किए गए कब्जे को भी हटवाया गया। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों व दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली और वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जगह कार्रवाई की गई है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही थी? जी,
अवैध कॉलोनी का निर्माण हुआ था ना, तो 1997 में पास ओम प्रकाश इत्यादि ने किया था, वो हमने गिराया है। और ये जी रोड पर दुकान एक आदमी ने आगे बढ़ाकर इंक्रोचमेंट की थी जी। तो किसी तरह की शिकायतें मिल रही थी आप लोगों को? हमारे ध्यान में था दोनों मामले, हमने इसमें बकायदा डिस्चार्ज सर्टिफिकेशन लगवाया था और जी। तो कॉलोनी पे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है उस पे? उसके बाद उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन की थी वहाँ पे, दीवार गारंटी बनाई थी, वो हमने गिरवा दिया। इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई रहेगी? अभी तो गिरवाने की कार्रवाई थी दोनों खिलाफ। कालका के वनीत कौर बेटी हरविंदर सिंह सोखी व परमिंदर कौर सोखी की बेटी ने जुडिशियल ऑफिसर की परीक्षा में कैटेगरी में हरियाणा में दूसरा रैंक प्राप्त करके कालका का नाम रोशन किया है। वनीत कौर ने बताया कि उनका काफी सालों से जज बनने का सपना था, उनका यह सपना रिजल्ट आने के बाद पूरा हो गया। वनीत एक साल की ट्रेनिंग के बाद जज के तौर पर तैनात होंगी, उनके घर में खुशी का माहौल है। वनीत कौर ने साबित कर दिखा है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। और हाल ही में मैं अभी फिलहाल PhD कर रही हूँ, तो जैसे ही मेरी LLM खत्म हुई उसके बाद से ही मेरा जुडिशरी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जो कि हरियाणा जुडिशरी की वैकेंसी निकली थी 2021 में जनवरी में, जिसका प्रीलिम्स नवंबर 2021 में हुआ था। तो प्रोसेस आगे चलता गया और अभी सितंबर 2022 में मेरी इंटरव्यू हुई है और कल ही रिजल्ट निकला था, तो जिसमें मुझे 551 मार्क्स मिले हैं और मेरा कैटेगरी में सेकंड रैंक आया है हरियाणा में। तो आज मुझे बहुत ही खुशी है और ये जो काफ़ी टाइम से मैंने काफ़ी सालों से सोचा था कि मैं जुडिशियल ऑफिसर बनूंगी, तो आज एक ड्रीम कम ट्रू जैसा एक मोमेंट है मेरे लिए, तो उसके लिए मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। हरियाणा के सिरसा जिले में आगामी 12 नवंबर को पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन सिरसा के गांव झोपड़ा में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से ही गांव का सरपंच बना दिया है। गांव के लोगों ने रचना रानी को ही सर्वसम्मति से सरपंच बना दिया। रचना रानी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और पहली बार में ही जीत हासिल करने वाली सरपंच रचना रानी ने ग्रामीण वासियों का आभार भी व्यक्त किया। रचना रानी ने ग्रामीणों का आभार जताते हुए गाँव में संपूर्ण विकास करवाने का दावा भी किया। असी सारे पिंड झोपड़ा निवासी दा तह दिलों धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने सानू सर्वसंति नाल सरपंची सौंपी है। असी 36 बिरादरियां नू नाल लैके चलांगे। असी शपथ लेने हैं कि सदा सुख दुख वेले पिंड दे नाल खड़े होवांगे। पिंड दा विकास साडी पहल होवेगी। सरकारी महकमे नाल मिल के असी सारे पिंड नू जिले दा सब तों खुशहाल पिंड बनावांगे। सिरसा के नागरिक अस्पताल में शनिवार देर रात दो गुटों के बीच हुए झगड़े के बाद हुई फायरिंग में घायल हुए युवक जतिन की मौत हो गई है। मृतक युवक जतिन के गोली लगने के कारण मौत हो गई, उसे हिसार के अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, आज उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को नामजद और 6 अन्य युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ है। सभी आरोपी घटना के बाद से गायब है। पुलिस रोजाना उनके घर छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जो लड़का जतिन घायल था, आज सुबह उसकी मृत्यु हो चुकी है। वहाँ हिसार से सपरा हॉस्पिटल से रुक का आ गया था, तो हमारे IU वहाँ गए हैं आगामी कार्रवाई के लिए। इसमें करीब 7 लोगों के भाई ने मुकदमा दर्ज और 5-6 अन्य हैं, तो अभी तक अरेस्ट हुए नहीं। हमारी टीम में बाहर गई हुई हैं और घरों पर इनके सबके ताला लगे हुए, कोई मिला नहीं करके। इनका पहले यहाँ चंदन बेकरी के पास झगड़ा हुआ था, फिर दोनों पक्ष वहाँ हॉस्पिटल चले गए थे। वहाँ दोनों पक्षों ने अपने अपने बंदे बुला लिए थे, डर में बुलाया या झगड़े के, वो आने के बाद ही पता चलेगा। तो वहाँ किसी एक पक्ष ने उनके कापे मार दिए थे, तो दूसरे ने आगे फायरिंग कर दी, वो एक लड़के की मृत्यु हो चुकी। विवाद को स्टार्टिंग में चंदन बेकरी के पास कोई कुत्ते को लेकर विवाद हुआ। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।